सैयद माज गिलानी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माज इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों आज आ चुके हैं 2023 के अंदर दोबारा MPPT चार्ज कंट्रोलर। आपको पता है गर्मियां आ चुकी है, गर्मी में हर बंदा मांग रहा है भाई अच्छी क्वालिटी का MPPT चार्ज कंट्रोलर। मार्केट में भाई ऐसी तैसी फेर रखी है MPPT चार्ज कंट्रोलर की, लोगों ने बना के इतनी दो नंबर इतनी थर्ड क्वालिटी के MPPT चार्ज कंट्रोलर मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा दोबारा हम जो है सिम टैग के ऊपर जो है अनबॉक्सिंग टेस्टिंग करेंगे, इसकी जो है प्रोडक्ट के ऊपर मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे अगर किस तरह के प्रोडक्ट है, कितने एम्पेयर के कंट्रोलर हैं और क्या क्या फंक्शन है, कितनी प्लेटें लगा सकते हैं, किस तरह हाइब्रिड मोड काम करता है, इनका सर्किट कैसा है, मुकम्मल डिटेल में आज दोबारा 2023 के अंदर वीडियो होने वाली है। तो अगर आप जो है एक MPPT चार्ज कंट्रोलर की तलाश में है, आप चाहते हैं कि भाई ऐसा MPPT चार्ज कंट्रोलर मिल जाए जिसकी क्वालिटी भी टॉप की हो और साथ में वारंटी भी मिल जाए और उसके बाद उसके अंदर हाइब्रिड मोड का फंक्शन भी हो, तो भाई ये MPPT चार्ज कंट्रोलर आप लोगों के लिए है। तो आज मुकम्मल डिटेल से वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इसके अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग में। तो भाई जैसा आपको बताया कि सिमटेक कंपनी एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो कि पाकिस्तानी मेड जो है प्रोडक्ट बना रही है और ये दोनों पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है, पाकिस्तान में रेडी हुए हैं, पाकिस्तान में ही बने हैं, असेंबल हुए, सब कुछ हुआ है, इन बॉक्स पैकिंग वगैरह तक। तो आज हम इन दोनों के प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और ये एक ऐसा ब्रांड है, अगर आप चाहते हैं ना कि ऐसा MPPT चार्ज कंट्रोलर की तरफ जाना कि जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उसके बाद जो है आपको वारंटी भी क्लेम करके देते हो, तो ये दो जो कंट्रोलर हैं आप लोगों के लिए बेस्ट चीज़ है। तो आज मेरे पास दो मॉडल आ चुके हैं, एक आ चुका 60 एम्पेयर के अंदर, एक आ चुका है 80 एम्पेयर के अंदर। तो दोनों की अनबॉक्सिंग टेस्टिंग करते हैं। तो यहां पे आ चुका है दोनों कंट्रोलर, ये आ चुके हैं सिमटेक कंपनी का, दोनों हाइब्रिड है, MPPT प्लस हाइब्रिड सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये 80 एम्पेयर के अंदर आता है, ये आता है आपको 60 एम्पेयर के अंदर। 80 एम्पेयर के अंदर आपको क्या क्या जो है स्पेसिफिकेशन या क्या क्या चीजें मिलती है इसके अंदर, सोलर रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मिलता है, सोलर कलर करंट का रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मिलता है, बैटरी ओवर चार्ज प्रोटेक्शन मिलता है, ओवर हीट प्रोटेक्शन मिलता है, ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलता है, हाई वोल्टेज PV वार्निंग देता है कि अगर इसके वोल्टेज मैक्सिमम 140 वोल्ट है, अगर आप इसको गलती से 160 170 180 वोल्ट लगा देते हैं, 200 वोल्ट लगाते हैं, तो ये आपको बताएगा भाई वोल्टेज बहुत ज्यादा है, तार को वापस निकाल लो। उसके बाद लो बैटरी वार्निंग भी देता है, अगर आपकी बैटरी बहुत ज्यादा लो हो चुकी है तो आपको वार्निंग देगा। उसके बाद 60 एम्पीयर के अंदर आपको क्या मिलता है जी, ओवर करंट प्रोटेक्शन मिलती है, ओवर चार्ज प्रोटेक्शन मिलती है, ओवर हीट, इसके अंदर भी हाई PV वोल्टेज की वार्निंग मिलती है और लो पी जो है बैटरी की वार्निंग मिलती है। इसके अंदर सिर्फ जो दो है ऑप्शन नहीं मिलती, जिसके अंदर आपको सोलर की रिवर्स करंट की जो है आपको एक तो ऑप्शन नहीं मिलती, प्रोटेक्शन नहीं मिलती, और साथ ही सोलर की रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। तो अगर आप ये दो प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो आप चले जाएं 80 एम्पीयर के ऊपर, अगर आप नहीं प्रोटेक्शन नहीं चाहिए तो आप रह सकते हैं 60 एम्पीयर के ऊपर। दोनों के बॉक्स का साइज आप दे सकते हैं, ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा कंट्रोलर है, ये बड़ा कंट्रोलर है। उसके बाद दोनों की लेफ्ट साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे तो यहाँ पर ब्रांडिंग है जी, 1224 का मॉडल है, 80 एम्पीयर का है। तो इसके अंदर 80 एम्पीयर में दो आते हैं मॉडल, 48 वोल्ट में भी आता है जो कि 65 एम्पीयर का डेडिकेटेड कंट्रोलर है। उसके बाद यहाँ पर इनके स्पेसिफिकेशन चार्ट लगे हुए हैं, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आ चुके हैं दोनों के स्पेसिफिकेशन चार्ट, अगर आपने रीड करने हैं वीडियो पॉज कर सकते हैं। 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे 12-24 मोड दोनों हैं, इसके अंदर भी 12-24 मोड दोनों हैं। मिनिमम वोल्टेज इसके 30 वोल्ट है, इसके मिनिमम वोल्टेज भी 30 वोल्ट है, इसके मैक्सिमम वोल्टेज 145 वोल्ट है 80 एम्पीयर के, इसके मैक्सिमम वोल्टेज 100 वोल्ट है, यानी कि आप 100 वोल्ट या 80 या 145 वोल्ट तक की मैक्सिमम प्लेटें सीरीज करके लगा सकते हैं। ये मैक्सिमम जो PV पावर आपको कंजर्व करेगा 1500 वाट तक है 12 वोल्ट के ऊपर, और ये 1000 वाट तक 12 वोल्ट के ऊपर। दूसरा जो है आपको 34 एम्पीयर की इनपुट करंट देता है और उसकी मैक्सिमम PV पावर है 3000 वाट 24 वोल्ट के ऊपर, और इसकी है 2000 वाट 24 वोल्ट के ऊपर। इनकी प्रोटेक्शनों के बारे में आपको पहले बता दिया, ये 80 एम्पीयर का, ये 60 एम्पीयर का, 12-24 वोल्ट ऑटो डिटेक्ट है, टेंपरेचर रेंज 80 डिग्री है, और दोनों की भाई क्वालिटी बहुत टॉप है, और दोनों की जो है पैकिंग आप देख सकते हैं खूबसूरत, एक ब्रांड लगता है और काफी हाई क्वालिटी पैकिंग है। और दोनों को जल्दी से निकाल लेते हैं। तो लीजिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने कर लिया है दोनों को अनबॉक्स, और अनबॉक्स करने के बाद ये आ चुका है हमारे पास 60 एम्पीयर का, ये आ चुका है 80 एम्पीयर का। दोनों के साइज में भी देख सकते हैं कितना फर्क है, और उसके बाद जो है तकरीबन बॉडी दिखने में सेम है, इसके अंदर थोड़ा छोटा सर्कल लगाया गया क्योंकि 60 एम्पीयर का मुकम्मल मॉड्यूल है, इसके अंदर 80 एम्पीयर का मॉड्यूल लगाया गया, और उसके बाद बहुत ही कमाल की फिटिंग है और टोटली मेटल बॉडी के अंदर है। और साथ में आपको दोनों का अलग-अलग यूजर मैनुअल मिलते हैं, 60 का अलग मिलता है, 80 का अलग मिलता है। साथ में आपको कनेक्शन करने के लिए स्पेशल दो जो है चार बल्कि आपको मिलते हैं कनेक्टर, ताकि आप
अपने सोलर पैनल या अपने वायर्स इसके साथ अटैच कर सकें। और उसके बाद आप देखने में दे सकते हैं, यहाँ पर आपको सोलर मोड का ऑप्शन मिलता है, बैटरी चार्जिंग फुल का इंडिकेशन मिलती है, वार्निंग अलार्म मिलता है, हाइब्रिड मोड का इंडिकेशन मिलता है, यहाँ पर भी हाइब्रिड मोड, यहाँ भी हाइब्रिड। अब बहुत से लोग कहेंगे माल भाई मेरे पास धारवाड का इन्वर्टर है, मैं चाहता हूँ मेरे इन्वर्टर के साथ प्लेटें अटैच हो जाए, तो मेरे पास ऐसा इन्वर्टर नहीं है जिसके अंदर प्लेटों का ऑप्शन हो या प्लेटें लगाने का ऑप्शन हो, आप ऐसा कंट्रोलर बताएं जिसके जरिए मैं प्लेटें लगा सकूँ। तो भाई आप 60 एम्पीयर की तरफ चला जाए, अगर आप 1000-2000 वाट का इन्वर्टर के तकरीबन रहना चाहते हैं ना, तो आप इसके ऊपर जा सकते हैं कंट्रोलर के ऊपर 60 एम्पीयर के ऊपर। और अगर आपके पास कंट्रोलर थोड़ा इन्वर्टर बड़ा है 2000-2500-3000-4000 वाट तक का है, तो आप जा सकते हैं 80 एम्पीयर के ऊपर। आप इसके साथ 150 वाट से लेकर 550 वाट तक की प्लेटें आसानी से लगा सकते हैं, बस आपने एम्पीयर की रेंज और वोल्टेज की रेंज को ध्यान में रखते हुए इसको सीरीज पैरेलल कनेक्शन बनाकर स्ट्रिंग बनाकर इसको दे देना है। दोनों का सेम तरीका है फिटिंग करने का। इसके ऊपर आपका फायदा यह है कि एक तो हाइब्रिड मोड है, हाइब्रिड मोड का सबसे बड़ा फायदा होगा जब आप इसके साथ सोलर पैनल अटैच कर लेंगे और हाइब्रिड मोड का जो आपके यूपीएस की तार इसके साथ लग जाएगी, इन्वर्टर की तार इसके साथ लग जाएगी बिजली की चार्जिंग के दौरान, तो ये दिन में चार्जिंग आपकी बिजली से बचा लेगा, आपका घर का लोड जो बिजली पे जो चल रहा होगा वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा इसके जरिए जो है बैटरियों पे सोलर पे। तो जैसे ही शाम होगी ऑटोमेटिक आपका घर का लोड जो है सारा का सारा वापस आ जाएगा बिजली के ऊपर। तो टोटली ऑटोमेटिक है, आप कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 12-24 ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है। अगर आप सिंगल बैटरी है तब भी लगा सकते हैं, अगर आप डबल बैटरी है तब भी लगा सकते हैं, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा आपने सिंगल बैटरी लगाई है या डबल लगाई है। तो अभी इसको जो है जल्दी से ओपन करके एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए अंदर से इनका सर्किट कैसा है। तो लीजिए दोस्तों, हमने कर लिया जी इनको जो है डिसअसेंबल करने के बाद दोनों के सर्किट के अंदर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है, और दोनों दिखने में जो है एक प्रोफेशनल मैन्युफैक्चर ही लग रहे हैं। दोनों के जो है स्पेशल आईसी कार्ड लगा हुआ है जो इसको मुकम्मल ड्राइव करता है, इस पर यहाँ काफी सारे बड़े एफटीज लगे हुए हैं, उसका डबल हीट सिंक है, यहाँ पे सिंगल हीट सिंक है क्योंकि ये 60 एम्पीयर में है, ये है 80 एम्पीयर में, और यहाँ पर सिंगल कॉइल है, यहाँ पर डबल कॉइल है, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं और यहाँ पर डबल कनेक्टर मोटे लगे हुए हैं, और हाइब्रिड मोड के लिए स्पेशल जो है रिले लगी हुई है, डेडिकेटेड स्पेशल फ्यूज लगा हुआ है, उसके बाद सोलर वाली साइड पे भी फ्यूज है, यहाँ पर 60 एम्पीयर का भी लगा हुआ है और 80 एम्पीयर के ऊपर भी लगा हुआ है। तो फ्यूजेस के ऊपर ही मुकम्मल गेम है, यानी कि अगर आपकी उल्टी तारें वगैरह लग जाती हैं तो आपको टेंशन नहीं है 80 एम्पीयर पे, क्योंकि इसके अंदर आपको रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी अगर इसके अंदर उल्टी तारें लग जाती हैं तो इसके अंदर आपको जो है फ्यूज दिया जाता है जो बर्न हो जाएगा और आपका कंट्रोलर पे भी बच जाएगा। तो दिखने में ये सारे इस तरह के हैं और क्वालिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉप क्वालिटी में है, क्योंकि अब पाकिस्तान में इनकी कॉपीज भी बनने लगी हैं, तो आपने कॉपीज के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि वो थोड़ी सस्ती तो होंगी लेकिन आपको नुकसान देगी बाद में, हो सकता है वो आपको क्लेम ना दें, हो सकता है उनकी क्वालिटी अच्छी है ना हो, हो सकता है आपको आउटपुट ना अच्छी दें, तो ये मसला आ सकता है। तो मैं चाहूंगा कि आप हमेशा अच्छे ब्रांड पे टॉप क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पे रहें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो इन जो है सिमटेक के दोनों कंट्रोलर के ऊपर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपने घर के लिए छोटे इन्वर्टर के लिए बड़े इन्वर्टर के लिए कंट्रोलर की तलाश में हैं और अच्छा कंट्रोलर यूज करना चाहते हैं तो ये कंट्रोलर दोनों आपके लिए हैं। आप 60 एम्पीयर की तरफ भी जा सकते हैं, 80 एम्पीयर की तरफ जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कौन सा आपने कंट्रोलर आपके लिए लेना है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है इसको लाइक शेयर जरूर कर देना, कमेंट में बताना आपको दोनों में से कौन सा बेस्ट लगा है और आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ये भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो इस तरह की और नई नई वीडियो आने वाली है, हमारे चैनल को लाइक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।